ऐसे ही डाल दिए थे, और उसके बाद फिर काफ़ी सब्जियां, तुरई, लौकी, भिंडी, ये हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खाया। घर की फ्रेश सब्जियां जो हैं उनकी बात ही कुछ वो होती है। ये एक बहुत अच्छी हॉबी है, इसलिए कि यू फील वेरी रिफ्रेशिंग वो होता है, फीलिंग होती है। और इसमें यह है कि आप सुबह उठ के अगर एक दो घंटे अगर स्पेंड करें तो ये बहुत ही मतलब मज़ा आता है इसको, इस हॉबी को वो करने में। और फ्रेश सब्जी खाने का जो मज़ा है वो बाज़ार से सब्जी ला के खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं गार्डनिंग तकरीबन 20 ईयर्स से कर रही हूँ, बहुत छोटे पैमाने पे, जहाँ पे भी रही हूँ मैं हमेशा वेजिटेबल्स के उसमें इंटरेस्टेड थी मैं हमेशा से, और मैं उगाती थी। और जब ये वेजिटेबल्स मेरे पास आते हैं, निकाल के मैं टोकरी में लाती हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसमें, एक फ्रेश फीलिंग। और डेफिनेटली गार्डनिंग करने में आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उसमें अप एंड डाउन बैठते हैं, उठते हैं, उसको नेचर को देख के खुश होते हैं, तो आपके जो फीलिंग्स हैं उसमें बहुत अच्छा असर होता है। अभी हमने जितनी भी बात की है उसमें हमने यही जाना है कि हरियाली सिर्फ हमारे जहन को नहीं बल्कि हमारी दुनिया के एनवायरनमेंट को भी बहुत बेहतर करती है, और अगर एज अ गार्डनिंग इसे अपनाया जाए तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। इस पर ही मजीद बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।